अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, कॉल आई है हमें कि इस गाड़ी का रिव्यू करके दिखा दें। तो किस गाड़ी का करना है सामने, कुछ पता है आपको? तो पता है किस शोरूम गाड़ी जाके का, पता चलेगा। कौन से शोरूम पे जाना ऐसे है? अगर हम बता देंगे तो फिर फर्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा, तो शोरूम जाके लोगों को दिखा दें। तो चलें फिर रिव्यू करने चलते हैं। तो दिखाते हैं आपको किस गाड़ी का रिव्यू करेंगे आज इंशाल्लाह। उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये वो गाड़ी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए आए हैं। और ये किया वालों की स्पॉटिज है। इसके अंदर तीन वेरिएंट आते हैं किया स्पॉटिज के अंदर। एक आता है इसमें बेसिक वेरिएंट आता है जो अल्फा कहलाता है, एक आता है इसमें जिसके फ्रंट व्हील होते हैं, और एक होता है ऑल व्हील। तो ये AWD यानी कि ऑल व्हील गाड़ी है जो किया स्पॉटिज के अंदर टॉप ऑफ द लाइन कहलाती है। इस गाड़ी के बारे में अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ, तो इस गाड़ी का जो टोटल जो लेंथ है वो मैं आपको बता देता हूँ, 4485 mm इसकी जो है लेंथ है। ओवरऑल वेट जो है गाड़ी का वो 1855 mm है। ओवर हाइट की बात कर दूँ 1635 mm है। अच्छा, व्हील बेस की अगर बात करें तो 2670 mm इसके कहने में व्हील बेस आ रही है। अच्छा, दूसरा अगर इस गाड़ी के बारे में बताऊँ मैं इंजन के बारे में, तो इंजन बहुत ही ज़बरदस्त और हॉर्स पावर 155 hp ये प्रोड्यूस करता है। दूसरा इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो इंजन मेंशन है वो डॉग 1612 का जो है इंजन आता है। गाड़ी की अगर टॉप स्पीड की अगर हम बात करें, तो गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो गाड़ी देती है 180 km/h की स्पीड है गाड़ी की जो टॉप स्पीड है। अच्छा, दूसरा जो है मैं अगर इस गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात करता हूँ, तो इसके अंदर 6 speed जो है गियर आता है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है गियर इसके अंदर मौजूद है। स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं, स्टेयरिंग आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग आता है गाड़ी के अंदर। अच्छा, दूसरा जो है अगर सस्पेंशन के हिसाब से बात करूं, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है गाड़ी का सस्पेंशन है। और व्हील की अगर बात कर लेते हैं गाड़ी की थोड़ी सी, तो व्हील जो है इसके अंदर तकरीबन 18 इंच का जो है इसके अंदर व्हील जो है इंस्टॉल हुआ हुआ है। अच्छा, गाड़ी के अंदर जो है अगर इसके स्पेयर टायर की बात करें, तो वो भी गाड़ी के अंदर मौजूद है, और वो भी उसका साइज़ भी जो है तकरीबन 18 इंची ही है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो है गाड़ी के बारे में जो आजकल सबको परेशान कर रही है, फ्यूल इकोनॉमी। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्यूल इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है बढ़े हुए हैं कराची के अंदर, कराची में क्या पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके पैसों के बारे में आपको मालूम है क्या मामला चल रहे हैं। तो डिग्गी जो है इसकी देख रहे हैं, ऑटो कैन में सिस्टम है, ऑटोमेटिक खुल जाती है एक बटन की मदद से। अच्छा, स्पेयर टायर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये स्पेयर टायर है और वो भी अलाउ रिम्स के साथ आता है, मतलब साधन ही आता। अच्छा, इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर तो नहीं कहलाएगी, लेकिन इस गाड़ी के बारे में बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 जो है 10,000 किलोमीटर गाड़ी ओरिजिनल चली हुई है, और गाड़ी पूरी जेन्युइन हालत में है। 2022 मॉडल है, पूरी गाड़ी जेन्युइन है, कोई पीस इसका टचअप नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। कीमत के बारे में भी मैं आपको इसके बताऊँगा, गाड़ी अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी हालत में गाड़ी मौजूद है। ये इसके ऑटो एसी कंट्रोलर के सब चीज़ें मौजूद है इसके अंदर। दो तरह से कैन में इन्होंने सिस्टम दिया हुआ है कि ड्राइवर साइड अपना जो है एसी है ख़ुद कंट्रोल कर सकता है, पैसेंजर जो है अपना खुद कंट्रोल कर सकता है। गाड़ी आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है,
सिर्फ दो अपना 10,000 चली हुई है गाड़ी, साफ सुथरी हालत में मौजूद है गाड़ी। गाड़ी का सनरूफ देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हालत में है। सिर्फ 10,000 जो है गाड़ी चली हुई है। कीमत जो है दोस्तों इसकी मैं बता दूं, गाड़ी इस वक्त जो है ये आपको मिलेगी 69 लाख में जो है ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। गाड़ी लेने का तरीक़ाकार वही हमेशा की तरह जो मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी का जो लेने का तरीका है वो मैं इनके जो गाड़ी के ऑनर हैं उनका नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। गाड़ी मैं आपको बाहर से दिखा दूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अगर लाइटों की बात करें, इसकी हेडलाइट है बिल्कुल ओके हालत में मौजूद है। इसके फोग लैंप देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में। पियानो ग्रिल इसके अंदर देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। ओवरऑल गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी पे किसी किस्म का निशान मुझे तो नहीं दिखा है, गाड़ी पे कोई निशान नहीं है गाड़ी पे किसी भी किस्म का। साफ सुथरी हालत में गाड़ी मौजूद है। 69 इसकी जो है कीमत है और ऑल व्हील गाड़ी है, किया स्पोर्टेज के अंदर टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी आती है कि वो गाड़ी है। और कीमत भी मैंने इसकी बता दी है। लेने का तरीक़ाकार यही है कि अगर आपने इस गाड़ी को परचेस करना है तो मैं नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको किस गाड़ी का रिव्यू जो है देखना है। इंशाल्लाह हम आपके लिए उस गाड़ी का रिव्यू भी लेकर आएंगे। तो गाड़ी की मैं देख रहा हूँ डोरियाँ वगैरह सब जेन्युइन हालत पे मौजूद हैं। यूज़ गाड़ी कहलाएगी है, 10,000 किलोमीटर बस चली हुई है गाड़ी, बिल्कुल नई हालत के अंदर मौजूद है गाड़ी। और जो है पैसों के बारे में मैंने बताया आपको, 69 जो है इसके डिमांड है और थोड़ी बहुत मोहब्बत हो जाएगी, आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना डाल दूंगा मालिक का, वहाँ से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और आप बताएं हमें कि आपको कौन सी गाड़ी की जो है रिव्यू देखना है। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छे अच्छे रिव्यू लेकर आते रहेंगे। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।